नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम इनक्रेडिबल एमपी है। और आज हम लेकर आए हैं आपको जबलपुर की महारानी के दर्शन कराने। महारानी क्यों कहते हैं इसके बारे में अभी सारी डिटेल्स हम यहाँ के जो समिति के लोग हैं या जो पूजा करते हैं उनसे जानेंगे। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि महारानी शब्द से ही आप जान रहे होंगे कि इनकी क्या महिमा होगी। मैं आपको बता दूं, जबलपुर के जितने भी दुर्गा प्रतिमाएं हैं, जो भी माता की काली की जो मूर्तियां हैं, वो सब अलग अलग विसर्जित होने निकलती हैं। माता की ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, माता की ये प्रतिमा अकेले एक दिन निकलती हैं, जो पूरे रात भर, मतलब अगर माँ की मूर्ति अगर मान लीजिए सुबह 10-11 बजे या 12 बजे निकल रही, तो दूसरे दिन 6-7 बजे वो माँ नर्मदा के घाट पहुँचती हैं और वहाँ पर विसर्जित होती हैं। यहाँ से माँ पैदल, जो माँ के भक्त हैं वो पैदल माँ को यहाँ से लेकर जाते हैं, है ना। और इतनी भीड़, मतलब अगर जबलपुर का दशहरा जो निकलता है, उस दशहरा में जितनी भीड़ होती है माँ की इस दर्शन, माँ के इस रूप के दर्शन करने के लिए, उतनी ही भीड़ एक जगह जमा होती है। मैं माँ के विसर्जन की वीडियो आपको आपके सामने लेकर आऊँगा। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि माँ के इस रूप की स्थापना कब से हुई, कैसे माँ इतनी प्रसिद्ध हुई, सारी डिटेल्स हम आपको देते हैं। मैम नाम बता दीजिए। जय माता दी भाई साहब, मेरा नाम प्रगति पाठक है। माँ की इस मूर्ति की स्थापना आपके परिवार से की जा रही है जी, तो कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे माँ के मरहम के बारे में सभी लोगों को पता चला? माँ की मूर्ति की स्थापना तो मेरे पिताजी, फिर मेरे बड़े पिताजी, इन लोगों ने की थी जी। उसके बाद फिर जब धीरे धीरे हम लोग बड़े हो गए, माता रानी का तेज तो शुरू से था, और जब मेरी शादी हुई उसके बाद मेरे पति यहाँ पंडा बने, तो उन्होंने क्या किया, महाकाली उपासना चालू कर दी। और जब माता रानी महाकाली उपासना हम दोनों पति पत्नी ने की, तो वो सिद्ध होती गई। उसके बाद फिर हम लोग सब मिल के माता रानी की सेवा में आ गए। और मेरे दो बालक हैं, वो कहते मेरे भाई अध्यक्ष हैं यहाँ पे, अखिल राज, और हमारा पूरा परिवार यहाँ पंडा पुजारी है। और समझ लो बड़ों का योगदान तो था ही, माता रानी का आशीर्वाद भी था हम लोगों के साथ। और माता जो भी जिनको जैसे बच्चे नहीं होते और ये सारी भी कृपा है माँ की। हाँ हाँ, माता रानी सिद्ध हैं, तो जो भी यहाँ अर्जी लगाता है मन्नत की या जो ओली भरवाता है, माता रानी उसकी गोद भर देती हैं और सभी वो मालाएं चढ़ाते हैं। और जबलपुर की महारानी का एकलौता दशहरा रहता है यहाँ पे। और कितने वर्षों से स्थापित हो रही है? 60-65 वर्षों से स्थापित हो रही, 65 हो चुके हैं, जब हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले से। और पापा लोग भी छोटे थे जब उन्होंने स्थापना की थी। तो आज माता रानी तो खैर जबलपुर के आप सबके दिलों में है, उनका मन्नत की महाकाली है वो, और सबका माता रानी कल्याण करें यही चाहते हैं, और योग तक उनका साथ बना रहे सबके। आप लोगों को अगर कोई भी ऐसी समस्याएं हैं तो यहाँ माँ के आगे आके अपना शीश नवाएं, माँ के सामने अपनी दुख दर्द बताएं, माँ निश्चित रूप से उसे पूरा करेंगी, आपके कष्टों को हरेंगी, है ना। और ये जो दीदी जी हैं, आप इनसे माँ के श्रृंगार या माँ का फूल, जो भी माँ को अर्पित किया हुआ, आप अगर इनसे मांगना चाहेंगे तो यहाँ पर, अभी तो मैंने अभी देखा थोड़ी देर पहले, सारा कुछ यहाँ पर बांटती रहती हैं और सभी को माँ का जो आशीर्वाद होता है जी, वो उस रूप से मिलता है। बोलो काली माई की जय माता की। देखिए यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई है वो छोटे बच्चों से। Thank you.